नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं न्यूज़ क्लिक। अभी हम दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर खड़े हैं, जहां किसान पिछले कई दिनों से अपना घेरा डेरा डाल के बैठे हुए हैं। आपको याद है, ये किसान 26 तारीख को पंजाब हरियाणा के अलग अलग जिलों से निकलकर दिल्ली घेरने की तैयारी में आए थे और ये पिछले 3 दिनों से यहीं बैठे हुए हैं। आज सिख धर्म का गुरु महापर्व है, उसको भी किसानों ने यहीं मनाया है। आइए हम कुछ किसान आंदोलनकारी किसानों से बात करने की कोशिश करते हैं, समझते हैं जो उन्होंने आज उनके आंदोलन की आगे की रणनीति क्या है और किस तरह से वो अपना आंदोलन आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। अज गुरु नानक देव जी का पुरब सी, पंजाब हरियाणे दे ते बाकी देश तो किसान इत्थे कुंडली जिहड़ा मार्ग है, सड़क है, इहदे ते धरना दे के बैठे ने। अज इत्थे ही बैठ के संगतां ने गुरपुरब मनाया, जगह जगह ते अरदास कीती है। बड़े पंडाल दे विच लोकां दी सुख शांति वास्ते इन्हां हाकमां नूं बुद्धि बख्शे परमात्मा, ता कि लोकां दी आवाज़ सुन, क्योंकि सरकार ने किसानां दे एजेंसां दे भाह खोण दी तैयारी कर ली। इन्हां दीआं जमीनां अडानियां अबानियां नूं देण दा फैसला कर लिया। ये श्री गुरु नानक देव जी महाराज समत बख्श मोदी नूं जिहड़ा पुठेरा पिया वै, जिहड़े कानून ने काले वह इत्थे दे किसानां ते ना वरते, इन्हां नूं वापस लवे, लोकां नूं भाईचारा बना के आपदे घरां दे विच रहण दा मौका देवे। मालिक कृपा करे, उन्हूं समत बख्शे। ये हमारी एकता को तोड़ना चाहते हैं, कदे हिंदू मुसलमान के नाम पर, कदे जाट नॉन जाट के नाम पर, कदे खालिस्तान के नाम पर। और जो भी किसान मजदूर छात्र नौजवान अपनी मांगों के लिए आंदोलन करता है तो उसको देशद्रोही दिया जाता है का नारा नाम दिया जाता है। तो इसलिए सरकार कितने भी हथकंडे कर ले, आप किसान मजदूर छात्र नौजवान और व्यापारी इनकी बातों को समझ गया है और अपनी एकता बनाकर दिल्ली को चारों ओर से घेरा हुआ है। और तब तक सरकार ये तीनों अध्यादेश जो काले कानून है इनको वापस नहीं लेती, डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू ना करती, और जो बिजली बिल 2020 इसको वापस नहीं लेती, और जो सर देश हमारे जो शहीद है उन्होंने कुर्बानियाँ दी थी अंग्रेजों के खिलाफ लड़कर, ये सरकारी जो तंत्र कायम किया था, जब आज सरकार BSNL को बेच रही है, रेलवे को बेच रही है, और क्या नाम है, एयरपोर्ट को बेच दिया, देश मतलब बड़े बड़े पूंजीपतियों को कॉपरेट घरानों को देश को बेचने जा रही है। तो इसलिए इससे दुर्भाग्य की बात हमारे लिए नहीं हो सकती। तो इसलिए आज पूरा हिंदुस्तान का किसान मजदूर कमेरा वर्ग आज इकट्ठा होकर लड़ रहे हैं, और जब तक सरकार इन नीतियों को नहीं बदलेगी तब तक हम वापस नहीं जाएंगे, से हमें कितनी भी बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ो। घर कह के आया भी जाता ज्यौदे ज्यौदे जा रहे हैं थोड़े को, जा असी ज्यौदे आ गए ताता साढ़े भाई हार पा दौ, नहीं मरिया हुआ दे पा दौ, जा मर के जावांगे जे जिउंदे जावांगे, जे तां जित के जावांगे तां जिउंदे जावांगे, मर के रहांगे उरों मर के जावांगे। पर असी उन्ना चिर उत्थों उरों हलदे नहीं जिन्ना चिर साडा हक नहीं मिलदा। हम लोग सिख धर्म में विश्वास रखते हैं और बाबा जी ने पूर अमन अपना जो संघर्ष जीवन वारा वो उन्होंने किसानों नाल वारा खेती लई वारा, ते आज जो सेंटर की सरकार उस लिए सब कह कि ये किसान बाबे नानक दे वारस है, ये इन्हों का जो खेती करने का हक है वो इनको मिलना चाहिए। जितने भी हमारे नेता थे किसान नेतिया वो हमारे को उठा लिया गया था, और हम भी 4 दिन जेल में रह के, हमारे साथी कॉमरेड साहब है ये भी जेल में थे, हम जैसे हमारे को 27 तारीख को वहाँ से जमानत मिली, उसके बाद हम रात को ही कपड़े बदल के और यहाँ कुंडली बॉर्डर पे पहुँच गए थे, और परसों सुबह हम वहाँ गए हैं अपना जो टिकरी बॉर्डर पे, वहाँ का कल का वहाँ दिन देखे, आज फिर वापस यहाँ देखने के लिए आए हैं कि कोई ऐसे असामाजिक तत्व तो ना घुसे, वो हमारे को कंट्रोल करना है। धरना तो अच्छी तरह से चल रहा है, इसके ज़्यादा हमारी अहमियत है कि उसको कंट्रोल कर रखना, सुख शांति बना के रखना, क्योंकि इसमें सरकार के भेजे नुमाइंदे आएंगे जो कि अशांति फैलाएंगे। कल भी हमारे को देखना पड़ा कि 10 लड़के थे, कोई पत्थरबाजी कर रहे थे, और उसके वो सरकार एक किस्म से दंगा टाइप करवाना चाह रही है। और एक सरकार ने अभी कहीं किसी भी न्यूज़ चैनल में देख लो, ये देर की बोले सिर्फ सिख आंदोलन है, अरे सिख आंदोलन नहीं, सिर्फ किसान आंदोलन है, और उसमें 36 बिरादरी आती है, सभी प्रदेश के देश के सारे किसान आते हैं।